एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अंकिता ने अपने एक्टिंग के बलबूते पर फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई। अर्चना का किरदार निभाकर वो घर घर में पॉपुलर हुई। इसके अलावा उन्होंने बागी 3 और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में भी अहम किरदार निभाए। लेकिन अंकिता ने अब खुद अपने एक्टिंग करियर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वो आज बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो काम के लिए भीख नहीं मांगेगी। टीवी की पॉपुलर बहू हुई बेरोजगार, अर्चना देशमुख यानी कि अंकिता लोखंडे के पास नहीं है काम। इंटरव्यू में छलका अंकिता की बेरोजगारी का दर्द। जी हां, अंकिता लोखंडे के पास काम नहीं है। कहां अंकिता ने सोचा था कि कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका से फिल्मों में डेब्यू करने के बाद उनका फिल्मी करियर फुल स्पीड में दौड़ेगा, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी है। सच तो ये है कि मणिकर्णिका के बाद उन्हें कोई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई और इस बात का खुलासा खुद अंकिता लोखंडे ने किया है। बता दें कि अंकिता इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उनकी शादी को 1 साल पूरा हुआ है। अंकिता सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है। विकी जैन की मिसेस जैन बनकर अंकिता कितनी लेविश लाइफ जी रही है, इसकी झलक उनके सोशल मीडिया पोस्ट में दिखती रहती है। अंकिता के आलीशान महल जैसे घर से लेकर उनके लाइफस्टाइल तक सब कुछ इतना लेविश है कि किसी को भी उनकी किस्मत पर रश्क हो जाए। लेकिन अब अंकिता ने अपने प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा दर्द जाहिर किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि टीवी की इस टैलेंटेड और नामी एक्ट्रेस के पास कोई काम नहीं है। दरअसल अंकिता सोशल मीडिया पर खूब नजर आती है, लेकिन लंबे वक्त से वो टीवी या फिर बिग स्क्रीन पर नजर नहीं आई है। और अंकिता ने अपने एक इंटरव्यू में स्क्रीन पर से अपनी गुमशुदगी की वजह बताई है। अंकिता ने बताया कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए उन्हें काम हासिल करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अंकिता ने कहा कि मणिकर्णिका के बाद मैंने अपने हाथों में कोई तलवार नहीं ली और मैं ईमानदारी से कहूँ कि मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं है जो मुझे आगे बढ़ा सके। मैं टैलेंटेड थी, ये मैं जानती थी, लेकिन आपके पास ऑफर्स आने तो चाहिए कुछ मना करने के लिए। अंकिता ने काम ना मिलने का दर्द तो जाहिर किया, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चाहे खाली बैठना पड़े लेकिन वो काम के लिए भीख नहीं मांगेंगी। इस बारे में बात करते हुए अंकिता बोली, मैं लोगों के पास नहीं जा सकती और उनकी चापलूसी करूं और उनसे काम मांगूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मेरे पास जो आ रहा है मैं उसे पूरे दिल के साथ कर रही हूं। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे साल 2022 में टीवी रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी में दिखी थी, इसके बाद वो किसी शो में नजर नहीं आई है। वहीं 2019 में अंकिता ने मणिकर्णिका फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, तो साल 2020 में वो बागी 3 में दिखी थी। इस साल अंकिता की 2 फिल्में द लास्ट कॉफी और स्वतंत्रता वीर सावरकर रिलीज होने वाली है। अंकिता के पास अब कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।